हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो दे विच मैं गल करांगा कि रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट किदा कीती जांदी है यूएसए दे स्टूडेंट वीजा दी, ते एमरजेंसी आपां रिक्वेस्ट किदा पा सकदे हां। ते कल ही मेरी गल हुई आ दिल्ली दे एम्बेसी दे ऑफिसर्स दे नाल, ते उन्होंने मैनू गाइड किया इस दे बारे, ते ओह वाली इनफॉर्मेशन मैं तुहाडे नाल भी सांझी करना चाहुंदा। वीडियो शुरू करन तों पहलां प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर दो, तो वीडियो नू लाइक करो, तो शेयर भी करो, अपने कमेंट भी पा सकते हो, तुसी दस सकते हो, थोड़ा मैनू गाइड कर सकते हो जे कि कोई प्रॉब्लम आ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तो हैगा रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट। हुण जिद्दां एक आपां अपॉइंटमेंट बुक की हुई आ, वह अपॉइंटमेंट हैगी आ जनवरी की। असीं अज वीडियो बना रहे हैं 23 अक्टूबर में, तो वो जी आई आ जिदा हूँ मैं रीशड्यूल तो क्लिक किया, तो जनवरी 24 की दिखा रहा दिल्ली की, तो दिल्ली इस टाइम यही अवेलेबल दिखा रहा। इस तो पहला नवंबर तो दसंबर दियाँ कोई डेट्स नहीं दिखा रहा। तो असी कल एक बुक की सी 24 की ही आ, तो वो स्टूडेंट का जी स्टडी स्टार्ट होनी आ 10 तरीक न, जनवरी 10 जनवरी नूं। तो वह आप चीज़ों तो बचन दे लई आप रीशड्यूल का प्लैन किया, तो एमरजेंसी का प्लैन किया। बट जदों आप पहला उन्होंने नाल दिल्ली ऑफिसर दे नाल अंबैसी दे विच गल की, तो उन्होंने सानू दसिया कि जिहड़ी असी रीशड्यूल कर सकते हैं जां फिर आप कैंसल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यह असी 24 आवर्स पहला ही कर सकते हैं अपने बायोमैट्रिक्स तो। जिद्दां कि हुण 24 जन नूं मेरे हैगे बायोमैट्रिक्स एग्जाम्पल दे लई, है ना। जे हुण 24 जन नूं मेरे बायोमैट्रिक्स आ, तो इस तों पहलां 23 तरीक नूं मैं रीशेड्यूल कर सकदा हां, 23 तरीक नूं ही मैं कैंसल कर सकदा, उस तों पहलां मैं नहीं कर सकदा। जिद्दां अज 23 आ 24 आ 25 आ मैं नहीं कर सकदा 10वें महीने, ना ही 11वें महीने, ना ही मैं 12वें महीने जाके इनू रीशेड्यूल तो ना ही कैंसल कर सकता। ये बस 24 घंटे पहला का प्रोसैस आ, वह भी जो सा बहस होंगी है जो बायोमैट्रिक्स होंदिया आ, ठीक है। तो उस तो उन्होंने इस तो बाद दूसरी गल कही कि एमरजेंसी का, एमरजेंसी उन्होंने ये कहा है कि नवी अपडेट आई है एमरजेंसी के, असी एक बारी नहीं दो बारी असी अपलाई कर सकते हैं एमरजेंसी के लिए कि सानू डेट्स दिखाई जा, है ना, कि अगे दियां जां पिछे दियां तुसीं अपने अकॉर्डिंग डेट्स लै सकते हो। एमरजेंसीज दे लई की कर सकते हैं आपां, इत्थे उहनां दे नाल एमरजेंसी रिक्वेस्ट जदों पाउंदे आ ते सानू डॉक्यूमेंट नाल अटैच करने पैंदे आ, ओह जिद्दां हुण आपां स्टूडेंट की गल करदे आ, ते सानू स्टूडेंट दे आ वाले डॉक्यूमेंट्स नाल लवाउणे पैंदे आ, I-20 हो गया, DS हो गया, ते सैवी फीस हो गई, ठीक है। तो इस तो अलावा एक चीज़ होर आ कि जिहड़ी तुसी जेकर तुहाडी हैगी आ रिफ्यूजल, रिफ्यूज़ किया होया तुहाडा वीज़ा, जेकर तुहाडे कोल 214B फॉर्म नहीं हैगा, जां तां तुसी नवें हो, जेकर तुसी नवें हो फस्ट टाइम हो तां वह चल जूगी, तुसी सीधा ही जा सकते हैं एमरजेंसी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। जेकर तुहाडे कोल हैगा रिफ्यूजल, जेकर रिफ्यूजल दे विच ओ कोई फॉर्म अलग दिंदे आ, जेड़ी 214B हुंदा आ ओ हुंदा अंडर रिजेक्टेड कैटेगरी, कि रिजेक्ट होया, रिजेक्टेड कैटेगरी जा 214B वाले तुसीं पा सकते हो एमरजेंसी रिक्वेस्ट, तुसीं पा सकते हो, बट रिफ्यूजल जिन्हां दा होया आ ओह नहीं पा सकते हैगे, क्योंकि जो तुहाडा वह डॉक्यूमेंट तुहानूं दिंदे आ उत्ते लिखिया हुंदा कि तुहाडा केस रिफ्यूज़ होया आ जां फिर रिजैक्ट होया आ, उस दे बारे उन्होंने लिखिया हुंदा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखियो कि फिर तुसीं पा सकते हो, तो आह वाले डॉक्यूमेंट जरूर नाल लायो। तो ये सीगियां अज दियां दो इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशनस जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां सी। तो गाइज वीडियो नूं लाइक करियो, तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, तुहाडी मोटिवेशन नाल ही मैं होर ज़्यादा वीडियोज़ बनाउंदा। थैंक यू सो मच।